दिल्ली मेट्रो में बिकनी टाइप की शॉर्ट ड्रेस पहनकर सफर करने वाली लड़की की हर ओर चर्चा है। कुछ दिन पहले बेहद शॉर्ट ड्रेस पहनकर जब यह लड़की मेट्रो में चढ़ी तो लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने चुपचाप उसकी वीडियो बना ली तो कुछ ने फोटो खींच ली। इसके बाद से यह फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस लड़की ने जिस तरह की ड्रेस पहनी थी वह ठीक थी या नहीं, क्या सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। यहाँ तक कि लोग मेट्रो की रूल बुक को भी पलट रहे हैं कि मेट्रो रेल में कपड़ों को लेकर क्या कोई नियम है। यहाँ तक कि इस घटना के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यात्रियों से सामाजिक शिष्टाचार के पालन की अपील की गई है। DMRC ने कहा है कि हम अपने यात्रियों से उस तरह के सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के पालन की उम्मीद करते हैं जिसे समाज में स्वीकारा जाए। यात्रियों को ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहननी चाहिए या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन इन सब बातों के बीच अब लड़की का वीडियो बनाने वाले भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल जो लोग लड़की के कपड़ों को लेकर नियम की बात कर रहे हैं उन्हें बता दें कि मेट्रो रेल में वीडियो बनाने को लेकर भी कई नियम हैं। इन्हें तोड़ने पर सजा या जुर्माना हो सकता है। तो चलिए इन्हीं नियमों की बात करते हैं। दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक मेट्रो के अंदर वीडियो रील्स बनाने की मनाही है। हालांकि मोबाइल ले जाने की छूट जरूर है। मेट्रो के अंदर फिल्म या वीडियो शूटिंग के लिए पहले DMRC से लिखित अनुमति लेनी होती है। साथ ही आपको वीडियो शूटिंग करने की योजना, स्थान और समय की जानकारी देनी होगी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो बनाते समय आपको सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा यात्रियों की गोपनीयता का भी पालन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी यात्री की अनुमति के बिना उसकी फोटो या वीडियो आप नहीं बना सकते। हालांकि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां आपको ये भी बता दें कि जिस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है उसका नाम रिदम चन्ना बताया जा रहा है। उन्होंने भी एक मीडिया संस्थान से बातचीत करने में वीडियो बनाने वाले लोगों पर सवाल उठाया था। अब सवाल उठता है कि जिस लड़की रिदम चन्ना को लेकर तमाम हो हल्ला मच रहा है उसके ड्रेस कोड के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि अभद्रता और अश्लीलता फैलाने के खिलाफ कानून तो है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि रिदम चन्ना उस दायरे में आएंगी या नहीं। लेकिन बिना अनुमति के वीडियो बनाने के खिलाफ मेट्रो में स्पष्ट नियम है। अब इसे लेकर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, रिदम का वीडियो बनाने वाले उस नियम के अंतर्गत आते हैं या नहीं, इन सब सवालों का जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।